हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल अनुभव विद रवि के मैथ्स में स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल अनुभव विद रवि के मैथ्स में स्वागत है। और दोस्तों, हम प्रश्नावली पढ़ रहे हैं बहुभुज 6.2 और उसमें पहुंच चुके हैं हम समलंब चतुर्भुज में। तो दोस्तों, आपकी जो छठी प्रश्नावली है ना, उसमें जो सेकंड है आपका 6.2, उस लेसन में क्या है कि सबसे ज्यादा आपकी परिभाषाएं हैं, यानी कि ये जो चतुर्भुज है उसके प्रकार है। अब हमने पढ़ लिया समांतर चतुर्भुज और आपने सम चतुर्भुज, वर्ग, आयत, तो आपका क्या करना है कि ये जो परिभाषाएं दे रखी है इनको याद करना ही पड़ेगा। तो आज की वीडियो का हमारा है समलंब चतुर्भुज और पतंग। अब दोस्तों, समलंब चतुर्भुज के बारे में हम पूरी डिटेल से 14वें पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, 6.2 में थोड़ा सा आपका क्वेश्चन बनता है, एक दो क्वेश्चन बनता है, तो इसकी जो छोटी मोटी है वो डिटेल हम ले लेते हैं। अब समलंब चतुर्भुज का जो डायग्राम या चित्र कैसा बनता है वो सबसे पहले देखो। अब क्या करना है कि ये दो रेखाएं हैं, ठीक है। अब इस रेखा को यहां पर मिलाना है आपको और इस रेखा को यहां पर मिलाना है, तो ये आकृति किसकी बनेगी, समलंब चतुर्भुज की। किसकी बनेगी, समलंब चतुर्भुज। ये बन गया आपका एक समलंब चतुर्भुज। अब देखो, इस शीर्ष को मैंने ए नाम दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया और इसको डी नाम दे दिया, ठीक है। अब इसकी परिभाषा क्या होगी, कोई एक ऐसा चतुर्भुज, ये क्या है, एक चतुर्भुज है क्योंकि चार भुजाओं से बना है, कोई एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने, अब इसके आमने सामने कौन सी है, आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो, एक जोड़ा क्या हो, समांतर हो। बताओ ये क्या समांतर है, क्या नहीं है, क्योंकि देखो समांतर का मतलब क्या होता है कि दो रेखाओं को आगे बढ़ाओ और वो कहीं ना मिले, उनको क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं। अब दोस्तों, ये दो रेखाएं हैं, इनको आगे बढ़ाया, कहीं नहीं मिल रही है, लेकिन इनको आप आगे बढ़ाओ, जैसे ये रेखाएं हैं, यही तो है। अब इनको आगे बढ़ाओ, आगे ले गए और इनको आगे ले गए, ये यहां पर मिल रहे हैं, ठीक है, ये कहां ऐसे मिल रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, समांतर नहीं होगी, ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं होगी, लेकिन बताओ ये दोनों रेखाएं क्या होगी, समांतर रेखाएं होगी। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो। अब समांतर की ये सारी डिटेल मैंने दे रखी है, ठीक है, एक जोड़ा समांतर हो, उसे कौन सा चतुर्भुज कहते हैं, उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। कौन सा चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। अब यहां पर लिखा है एक जोड़ा, अब जोड़े का मतलब क्या होता है, आप शादी में गए हो तो आप जोड़े के बिना नहीं जाते हो, जैसे देखो दोस्तों शादीशुदा जोड़ा, हम कहते हैं ना शादीशुदा जोड़ा, तो जोड़ा किससे बनता है, दो से, तो यहां पर जोड़े का मतलब हो गया आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा, यानी कि ये दो भुजाएं ना, इनका क्या हो, एक जोड़ा समांतर हो। तो बताओ क्या लिखेंगे हम, अब हो गई हमारी परिभाषा, अब लिखेंगे हम इसमें गुण। अब गुण क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट होता है आपका भुजाएं। अब बताओ भुजाओं में क्या लिखेंगे कि ये जो ए बी भुजा है ना, वो किसके समांतर होगी, डीसी भुजा के, किसके, ए बी भुजा किसके समांतर होगी, डीसी भुजा के, लेकिन एडी भुजा सीडी भुजा के समांतर नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों भुजाओं को बढ़ाएंगे तो ये इस प्रकार आगे जाकर मिल जाएगी। तो ये हो गया इसकी भुजाओं का गुण, ठीक है। अब है सेकेंड पॉइंट, विकर्ण। इसमें मैं ज्यादा आपको डिटेल नहीं दूंगा, आपकी जो 14वीं प्रश्नावली है उसमें हम पूरा पढ़ेंगे। अब विकर्ण कौन कौन से होंगे, एक तो विकर्ण होगा आपका एसी, कोणे से कोणे को मिलाने को क्या कहते हैं, विकर्ण। कौन सा विकर्ण होगा, एक तो एसी और एक होगा आपका बीडी, ठीक है, ये हो गया आपके विकर्ण। अब बताओ यहां पर मैंने लिखा था एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो, भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो, कौन सी भुजाओं का, सम्मुख भुजाओं का, ये कौन सी भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाएं। सम्मुख भुजाएं किसे कहते हैं, आमने सामने की भुजाओं को, किसे कहते हैं, आमने सामने की भुजाओं को। यहां पर थोड़ा सा और लिख देता हूं मैं, सम्मुख भुजाएं, ये लिख लेना आपकी कॉपी में क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सम्मुख भुजाएं किसे कहते हैं, आमने सामने की भुजाओं को, किसे कहते हैं, आमने सामने की भुजाओं को। आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हो इस परिभाषा को, यानी इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, यानी कि कोई एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का,
ये सामने वाली भुजाओं क्या कहते हैं, सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो, या इस तरीके से भी याद कर सकते हो, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो उसे कौन सा चतुर्भुज कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो ये थी इसकी डिटेल। अब है दूसरा आपका पतंग, कौन सा है, पतंग। अब बताओ आसन कोण किसे कहते हैं, आसपास वाले कोणों को, इस कोण को और इस कोण को क्या कहेंगे, आसन कोण, और इन आसन कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री। लेकिन दोस्तों आसन कोण और सम्मुख कोण है ना वो बराबर नहीं होंगे। देखो ये विकर्ण इतना बड़ा कट रहा है, ये विकर्ण इतना बड़ा कट रहा है, यानी कि चारों विकर्ण क्या होंगे, अलग अलग होंगे। देखो ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है, और जहां पर बिंदु पर कट रहे हैं उसको हमने क्या नाम दे दिया, ओ। तो ये छोटी सी डिटेल है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। अब है आपका अगला पतंग, ये भी आकृति है, इससे भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तो जानकारी हो ना कि पतंग क्या होता है। तो सबसे लास्ट है आपका 6.2 में लास्ट का ऑप्शन है पतंग। अब आप पतंग आपने देखी होगी, अब पतंग क्या होता है, ये देखो पतंग ऐसे बनती है आपकी, पतंग ऐसे बनेगी, ये क्या है आपकी, एक पतंग। अब इस विकर्ण को इस विकर्ण से मिलाया और इसको इससे मिलाया, इसको मान नाम दे दिया ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। अब दोस्तों दोनों शीर्ष है ना, ये एक तो ये शीर्ष है और एक ये शीर्ष है, यानी कि दोनों शीर्षों से जाने वाली रेखा, एक ये रेखा है और एक ये रेखा, ये दो रेखा होगी समांतर, यानी कि ये दो बराबर होगी और ये भी दो क्या होगी, इस शीर्ष से जाएगी तो ये दोनों बराबर होगी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ज्यादा डिटेल नहीं है इसके बारे में। अब और क्या होगा, अब इसके जो विकर्ण है, विकर्ण क्या होंगे, सभी बराबर नहीं होंगे, यानी कि देखो ये विकर्ण बड़ा है, ये छोटा है, ये विकर्ण क्या होगा, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, ओ ए और ओ सी, और क्या है इसके बारे में डिटेल, ज्यादा डिटेल नहीं है, बस एक चित्र है और एक दो कोई सवाल होगा तो वह मैं पढ़ा दूंगा आपको 6.2 में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो यहां पर लिख देता हूं पतंग, और ये डायग्राम, ये चित्र बना लेना, ये चित्र बना लेना। ठीक है, अब इस प्रकार की आपकी पतंग आकृति होती है, परिभाषा ज्यादातर डिटेल नहीं दी गई है और ज्यादातर कुछ है नहीं पतंग के बारे में, बस ये आकृति बना लेना। अगर दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अगले चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे 6.2 के जितने भी क्वेश्चन है, 5 या 6 क्वेश्चन है, तो मैं अच्छी तरीके से दे दूंगा। तो मिलेंगे अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय, देखते रहे हमारे चैनल अनुभव द्रविड़ के मैथ्स को।